hello my dear students welcome to my class i dr swati pandya welcomes you in last session we have learned about drugs and alcohol abuse in detail we have learned opioids cannabinoids cocaine and other drugs like barbiturates lsd even nicotine in continuation with the same topic in same chapter chapter 8 today we will discuss about adolescence and drug or alcohol abuse this word adolescence it means it is both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and even beliefs for effective participation in a society

एज बढ़ती है बड़ी होती है वैसे वैसे मेचोरिटी भी आती है और साथ साथ स्टेबिलिटी भी आती है बट दिस इज अ कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट सेवन टू टेन ईयर्स एज मीन्स टाइम पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स दे आर रिटर्न हियर एज ऑफ द पर्सन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्वेल्व ईयर्स टू एटीन ईयर्स एक्चुअली टीन एज से आप समझ गए होंगे teenage generally 13 14 15 16 17 18 and 19 so this time period it is very sensitive age crucial age where all the type of developments in anyone's time uh, lifetime it occurs so this is a very sensitive age and uh, why we are talking about this age right here in this topic because it is directly connected with the our टॉपिक विच इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक ड्रग और alcohol abuse काफ़ी भारी वर्ड आपको लग रहा है बट जनरली सोसाइटी में यंग एज पीपल एंड इवन नाउ अ डेज द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रंस विच आर लर्निंग इन जस्ट स्कूल टाइम दे आर ऑल्सो ड्रैग्ड टूवर्ड्स ऑल दीज अब्यूज वो वो आराम से बहुत इजीली इस तरफ चले जाते हैं जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है या एल्कोहल ड्रिंक करना है या इस तरह की एक्टिविटी है ड्रग्स लेना है और जनरली ये होता है मेट्रो सिटीज़ में जैसे जैसे हम नॉर्मल सिटीज़ या विलेज उसकी तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ पीपल्स आर कंपेरेटिवली लेस बट दे आर नॉट नील बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स देर आर सो मैनी फैक्टर्स वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे बट जनरली जो टेक्नोलॉजिकल टाइम है उसमें सब कुछ अब कॉमन हो गया है इवन वी कैन कम्युनिकेट मैनी थिंग्स विद इन पार्ट ऑफ सेकेंड सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए अभी हम टू द पॉइंट हमारे सलेबस के हिसाब से चलेंगे बाकी ये टॉपिक ऐसा है कि हम बहुत ही बड़ा ऐसे लिख सकते हैं एक निबंध लिख सकते हैं हम बट वी शुड

दैट इज नोन एज टीन एज और बायोलॉजिकल वी कॉल इट अडोलसेंस सो अडोलसेंस इज अकंपनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस एंड इवन अडोलसेंस इज वेरी वलनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल जहाँ पे इमोशनली चेंजेस बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं कभी बहुत अच्छा लगने लगेगा या कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग दैट इज़ वल्नरेबल फेज इट इज़ नॉट स्टेबल इट इज़ अनस्टेबल फेज इवन आपने कितनी बार अपने आप को अगर आप देखोगे तो आपको फ़ील होगा कि आपके जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं कितनी बार आप अपने पेरेंट्स के सामने या अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर्स के सामने इस तरह से बिहेव करोगे कि आपको बाद में फ़ील होगा कि मैंने ऐसा कैसे किया एकदम इतना चेंज मुझ में कैसे आया मैं इतना हार्श या इस तरह से मैंने अचानक से ऐसा गुस्से से, से क्यों बोला सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग दिस टाइप ऑफ चेंजेस दैट इज ड्यू टू योर अडोलसेंस एज और अभी जो आप लोगों के एज ग्रुप चल रहा है वो भी इसी पीरियड में आता है अडोलसेंस ही चल रहा है अभी आपके और ये कंप्लीट होते होते आपकी ऑलमोस्ट कॉलेज लाइफ कंप्लीट होने आएगी तब तक ये एज चलेगा सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एज और मैं आपको फिर से रिपीट करके आपको बताना चाहती हूँ कि इस एज में बहुत ही सोच समझ के आप डिसीज़न लो ऑब्जर्वेशंस uh, करो और आपको इस टाइम पीरियड को पास करने में आपके वेल well विशर्स काम आते हैं आपके पेरेंट्स काम आते हैं आपके टीचर्स काम आते हैं बिकॉज़ दे आर एक्सपीरियंस दे नो ईच एंड एवरी थिंग दे आर वेल विशर्स जैसे मैंने आपको बताया आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे हमेशा सो so हमको उनकी बात माननी चाहिए थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाह रही हूँ बिकॉज इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आवर टॉपिक और हम ऐसा क्यों डिटेल में समझ रहे हैं क्योंकि आपकी भी टाइम पीरियड अभी अडोलसेंस का है और आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है सो यू शुड फॉलो योर एल्डर्स एंड इवन द टीचर्स पेरेंट्स योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स बिकॉज दे नो ईच एंड एवरी थिंग एंड uh, आपके जो फ्लक्चुएशंस होते हैं माइंड में क्योंकि ये अभी अनस्टेबल एज है तो उसमें हम कभी कभी अच्छा डिसीजन ले पाते हैं कभी कभी नहीं भी ले पाते हैं तो तब सारे बड़े हमको हेल्प करते हैं सो दिस वॉज मोर डिटेल अबाउट अडोलसेंस इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में ये खाली समझाने के लिए मैंने आपको बताया है नाउ नेक्स्ट वी विल टेक सम कॉजेस कॉजेस फॉर डॉरसेंस वाई दिस हैपन्स क्यों ऐसा होता है क्या होता है एग्जैक्टली exactly, वो हम डिस्कस करेंगे मैंने शॉर्ट में पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किया है बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज़ रिटर्न इन योर बुक सो पैराग्राफ इज़ अ डिस्क्रिप्शन बट पैराग्राफ अच्छे से याद नहीं होता है जनरली अगर हम पॉइंट्स कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स तो हमको ईजी रहता है याद करने में सो आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स और किस तरह से ये कॉजेज uh, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू क्यूरियोसिटी जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं मालूम हो प्लीज़ इसके लिए मैं ऐसा बोलूँगी कि आप डिक्शनरी की हेल्प लीजिए और तो भी याद नहीं रहता है तो एवरी डे यू रिपीट दिस द मीनिंग एज वेल एज द वर्ड्स तभी आपको याद होंगे सो फर्स्ट इज़ क्यूरियासिटी सो नीड फॉर एडवेंचर एक्साइटमेंट एंड इवन एक्सपेरिमेंटेशन हमको हमेशा इस तरह से करने की इच्छा होती है क्यूरियासिटी होती है तो ये एक वन ऑफ द काज है विच मोटिवेट्स यंगस्टर्स टूवर्ड्स ड्रग और एल्कोहल के क्या होगा कैसे होगा क्या होता है आगे तो इस तरह से क्यूरियासिटी होती है एक्साइटमेंट होता है सो अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरिया क्यूरियासिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट सर्टन न्यू थिंग्स चलो हम ट्राई करते हैं लाइक दैट सो फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग और एल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन बट लेटर ऑन द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग दिस टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ uh, में आते रहते हैं बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत सेंसिटिव एज होती है बहुत अनस्टेबल एज होती है हमको ये आसान सा रास्ता आप लोगों को दिखता है कि चलो ऐसा सब करने से मुझे स्ट्रेस या प्रॉब्लम कम फील होगा सो द पीपल दे मूव टुवर्ड्स दिस टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस और एनी प्रॉब्लम्स इवन द स्ट्रेस फ्रॉम प्रेसर्स टू एक्सल इन एकेडेमिक और एग्जामिनेशन दे आर ऑल्सो प्लेंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुएडिंग द यंगस्टर्स टू ट्राई एल्कोहॉल और ड्रग द परसेप्शन अमंग यूथ that is to cool or progressive to smoke uses drugs or alcohol is also one of the major cause for youth to start these habits even the televisions movie newspapers internet use also help to promote these perceptions of being cool or consuming these alcoholic drugs and other items so other factors there have been uh, to be associated with drug or alcohol abuse among the adolescents. They are also uh, unstable or unsupportive family structure if it is there, and even sometimes there is a peer pressure. So, all these points in short I have discussed here. So, one to seven points in short they are written, and even you can elaborate these points according to our syllabus. next subtopic is addiction and dependence how the person gets addicted either alcohol or drug use that becomes a compulsion so that is moving towards addiction so addiction is actually a psychological attachment to certain effects like euphoria or temporary feeling of well-being जिसको हम यू ही बोलते हैं कि हम एकदम एक अलग लेवल पर रहते हैं प्रसन्नता और एकदम खुशी जो हमारी होती है वो एकदम चरम सीमा पे आपको फील होती है एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर बट इट ओनली वर्चुअली फीलिंग इज देयर सो इट इज एसोसिएटेड विद ड्रग और अल्कोहल कंजम्पशन इवन द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी With repeated use of drug and alcohol, and sequentially, they respond to higher doses of drugs or alcohol. क्योंकि addiction हो गया उसकी वजह से हमारा tolerance level भी uh, receptors का इंक्रीज होता रहता है और ज्यादा से ज़्यादा doses भी हमको बढ़ाने पड़ते हैं द persons हु आर टेकिंग दिस दे हैव टू इंक्रीज their doses. सो यूजेज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस कैन बी अ फोर रन टू एडिक्शन जनरली ऐसा स्टूडेंट्स या पीपल्स दे थिंक दैट एक बार लेने में क्या जाता है और एक बार लेने के बाद फिर से लेने की इच्छा होती है उसके बाद फिर से और इस तरह से पूरा चेन डेवलप होता है दैट दे रिपीटेडली दे टेक मोर एंड मोर डोजेसो दडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहॉल पुल द यूजर्स इन टू अ विशियस सर्कल टू लीडिंग देयर रेगुलर यूज और अब्यूज फ्रॉम विच ही और शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट सो एक्चुअली दे आर डेलिबरेटली और वायलेंटली दे आर मूव्ड मूविंग टूवर्ड दैम मन उनको मना करेगा तो भी वो डेलिबरेटली उस तरफ खींचे चले जाएंगे दे आर नाट फीलिंग गुड विदाउट दिस यूज सो इस तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है धीरे धीरे जब उसका एडिक्शन होता है even uh, dependence in is the tendency uh, tendency of body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal symptom if regular doses of drug or alcohol is abruptly discontinued so this is also a next level uh, symptom if the regular doses of drugs and alcohol is abruptly discontinued, discontinued then what happens the body manifests the characteristics and unpleasant सो दीज़ आर नोन एज विथड्रॉवल सिम्टम्स विच कैन बी एंगजाइटी शेकीनेस नौसिया स्वेटिंग एक्सेट्रा एक्चुअली अगर हम सिंपल लैंग्वेज uh, में इसको समझें तो उसके बिना ड्रग या अल्कोहल यूज़ के बिना एक किसी पर्सन को उसका काम नहीं चलेगा उसको बहुत ज़्यादा एंगजाइटी होगी वो बहुत ही एक्साइटेड मोड में रहेगा या कभी कभी उसके हाथ पाँव धुजेंगे उसके बिना या समटाइम्स नौजिया नाक में से जो पानी आता है उसको हम बोलते हैं नोसिया देन स्वेटिंग और जिसको हम बोलते हैं पसीना आने लगता है सो ऑल दीज आर एक्चुअली नर्वसनेस द सिंबल फॉर नर्वसनेस तो इस तरह की फीलिंग डेवलप होती है सो टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स बाय बाय